उन लोगों ने मेरे ऑफिस पर रात को 1:30 बजे हमला किया। आप हमको बताइए किस राजनीति का परिचय आप दे रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि आप चुनाव जीत गए हैं तो किसी को रहने नहीं देंगे। एक उमेश राय मर जाएगा तो आपको पता नहीं है कि 66,000 में से कितना उमेश राय निकलेगा। नमस्कार, सुप्रभात। मैं उमेश राय उत्तर हावड़ा विधानसभा केंद्र से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था। मैं आपको बताऊं कि उत्तर हावड़ा विधानसभा केंद्र में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गौतम चौधरी जी विजयी हुए हैं और मैं उनको जीत की बधाई देता हूं। साथ ही साथ ये बात आप सबको बताना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है और हर बार हम लोगों ने तीन बार में टीएमसी का तीन रूप देखा है। पहला रूप देखा जब ममता बनर्जी जी अपने घर में खड़ा होकर चुनाव जीतने के बाद कहीं कि बदला नहीं बदल जाए। 5 साल तक उनके पार्टी के लोग सीपीएम के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला करते रहे। दूसरी बार जब परिवर्तन की बात आई, ममता बनर्जी जी चुनाव जीती और बोली कि तृणमूल अब विकास की राजनीति करेगी। दूसरे पारी का 5 साल सिर्फ पश्चिम बंगाल में लूट खसोट सिंडिकेट भ्रष्टाचार का राज रहा। तीसरी बार फिर ममता बनर्जी जी की भारी जीत हुई है, उसमें उत्तर हावड़ा भी जीता है। उत्तर हावड़ा के माननीय नव निर्वाचित विधायक गौतम चौधरी जी को यह पता होना चाहिए कि वो चुनाव जीते हैं विधायक, इसके पहले भी उत्तर हावड़ा में बहुत रहे हैं, बहुत सारे लोग चुनाव जीते हैं, बहुत सारे विधायक बने हैं और ये तो सिर्फ 5,000 वोटों से जीते हैं। इसके पहले के सभी लोग बड़े बड़े मार्जिन से चुनाव जीते हैं, लेकिन ये जीत का खुशी और ये जीत का खुशी मनाने का तरीका आपका शायद पश्चिम बंगाल की राजनीति में या लोकतंत्र के लिए गलत है। चुनाव जीतने के ठीक बाद काउंटिंग हॉल के बाहर मेरे ऊपर हमला हुआ, पत्थर मारा गया, बोतल मारा गया पुलिस की उपस्थिति में। ठीक उसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला हुआ। 11 नंबर वार्ड में बीरू सहनी के घर को तोड़ा गया, वहीं लगातार 1 नंबर वार्ड में माधव बाबू लेन से लेकर चाड़ा तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला हुआ, महिलाओं को मारा गया। 7 नंबर वार्ड में प्रशांत सिंह के घर पर तृणमूल के गुंडों ने हमला किया, उनके घर को तहस नहस किया। उनके बहन की शादी थी, उसके अलमारी में रखे हुए 2 लाख रुपए नगद और सोना का गहना जो बहन के विवाह के लिए बनाया गया था उसको लूटने का काम टीएमसी के लोगों ने किया। मुझे फोन करके टीएमसी के कुछ तथाकथित गुंडों ने गंदी गंदी गालियां दी। उनको शायद ये पता नहीं है कि उमेश राय उत्तर हावड़ा के 66,000 लोगों का प्यारा उमेश राय है। उत्तर हावड़ा में 66,000 से ज्यादा लोगों ने उमेश राय को वोट देकर अपना नेता माना है। उमेश राय ने वोट के लिए बम नहीं चलाया, उमेश राय ने किसी के मकान में ताला नहीं मरवाया, उमेश राय ने किसी को वोट के लिए दारू नहीं पिलाया, उमेश राय ने रात भर गुंडों को दौड़ाकर लोगों को वोट देने से नहीं रोका। मुझे जो वोट मिला है वो लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। जो चुनाव जीते हैं उनको बधाई हो, लेकिन कैसे जीते हैं इसका जवाब तो वो खुद देंगे। उनको खुद पता है कि वो 3 नंबर वार्ड में, 7 नंबर वार्ड में, 4 नंबर वार्ड में, 6 नंबर वार्ड में वो क्या करके चुनाव जीते हैं। 13 नंबर, 15 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर वार्ड में सुबह से लेकर रात तक चुनाव के दिन 27 बम फेंके गए। ये बम फेंककर, लोगों के मकानों में ताला मारकर, लोगों को डराकर आपने जिस राजनीति का परिचय दिया है, ये राजनीति को लोगों ने नकार दिया है। आप चुनाव जीत रहे हैं, आपको जीत की बधाई, लेकिन कल रात को 1:30 बजे जो तृणमूल कांग्रेस के कुछ नए नए अति उत्साही कार्यकर्ताओं ने जो किया है, ये मुझे लगता है कि उत्तर हावड़ा की राजनीति में पहली बार हुआ है। गौतम चौधरी जी बड़ा जमीनी स्तर से राजनीति किए। एक समय में 1998 में जब टीएमसी का जन्म हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल गठबंधन की राजनीति बंगाल में चली और हम लोग एक साथ काम किए हैं। हम लोगों ने टीएमसी के नेताओं का दुर्दिन देखा है। गौतम चौधरी जी कितना संघर्ष करके, किस विपरीत परिस्थिति में राजनीति करके आज यहां तक पहुंचे हैं, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है। लेकिन क्या यही दिन देखना था? मेहनत करके, संघर्ष करके, राजनीति करने के बाद आज आपका ये समय आ गया कि आपके पार्टी के गुंडे 13 नंबर वार्ड के काउंसिलर का कार्यालय, जहां से इस इलाके और आसपास के 15 नंबर, 16 नंबर,
के लोगों का भला होता है। ये पार्सल है, उनको राशन मिलता है, उनको दवाइयां मिलती है, उनको चिट्ठी मिलता है। ये एक सेवा कार्य का स्थान है जहां पर आपके तथा कथित गुंडे, मैं नाम भी जानता हूं, बहुत जल्दी सीसीटीवी फुटेज भी दिखाऊंगा आपको, उन लोगों ने मेरे ऑफिस पर रात को 1:30 बजे हमला किया। आप हमको बताइए किस राजनीति का परिचय आप दे रहे हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? आप चुनाव जीत गए हैं तो किसी को रहने नहीं देंगे? आप 66,000 लोगों को कखर तोड़ देंगे, लूट लेंगे, हत्या कर देंगे, 66,000 लोगों को उत्तर अपना से भगा देंगे? राजनीति में ये होता नहीं है। चुनाव है, चुनाव हो गया, आप जीत गए, गलत सही जो भी जीते जीत गए। हमने तो आपको काउंटिंग हॉल में बधाई दिया, हाथ मिलाया और आपको कहा कि आपको जीत मुबारक हो। आप चुनाव जीत गए, आप जो कर रहे हैं, आप पुराने नेता है, आपको जानकारी होना चाहिए कि 2011 के पहले जिन लोगों ने यही अत्याचार किया था, आज उन लोगों का पता लगा लीजिए। आप पता करिए, मैं आपको इतिहास बता देता हूं, जिन लोगों ने जनता के ऊपर अत्याचार किया, विरोधी दलों को प्रताड़ित करने का काम किया, आज उनकी स्थिति ऐसी है कि इसी चुनाव में हम लोगों ने तब के सीपीएम के सभी नेताओं को टीएमसी का झंडा लेकर घूमते हुए देखा है। वो मन से नहीं कर रहे हैं, वो तो मार्क्सवादी है, लेनिन पढ़ा है उन्होंने, वो तो कम्युनिज्म और पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़े हैं, गेरुआचे पढ़े हैं, भगवान जाने इतने बड़े बड़े कॉमरेड कैसे टीएमसी का झंडा लेकर इस चुनाव में वोट मांग रहे थे। वो वोट नहीं मांग रहे थे, ये उनका भय था, वो डर गए हैं, कैसे जिएंगे बंगाल में, इसके लिए उन्होंने टीएमसी का झंडा पकड़ा है। मैंने अपनी आंख से देखा है। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये कर रहे हैं उनको शायद इन सब चीजों से बच्चे हैं, उनको तो अभी इतिहास भी नहीं पता है, स्कूल में भी ठीक से इतिहास पढ़े नहीं, तो राजनीतिक इतिहास तो एकदम ही नहीं पता है। तो उनको ये जानना होगा कि आप थोड़ा सा उनसे सबक लीजिए, जो लोग इसके पहले सीपीएम के नाम पर गुंडागर्दी इलाका में करते थे वो क्यों टीएमसी का झंडा लेके घूम रहे हैं बचने के लिए। आपको समझना होगा घड़ी का सुई घूमता है, समय बदलता है, समय आप इतिहास को दोहराता है। मैं आपसे यही कहूंगा कि ये जो राजनीति आपने उत्तर हबड़ा में शुरू किया है, ये राजनीति ना उत्तर हबड़ा के लिए बढ़िया है, ना समाज के लिए बढ़िया है, ना पश्चिम बंगाल के लिए। माननीय विधायक जी, अभी आप जीते हैं, आपको 5 साल काम करना है, विरोधियों को सुनने का, उनके विरोध को झेलने का दम रखिए, उनकी बातों को सुनने का दम रखिए, और ये ईंटा पत्थर मार के, गाली देकर, बम चलवाकर कुछ नहीं मिलने वाला है। एक उमेश राय मर जाएगा तो आपको पता नहीं है कि 66,000 में से कितना उमेश राय निकलेगा। किसी को मार के, किसी को डराकर, किसी को बम गोली दिखाकर आज तक राजनीति में कोई सफल नहीं हुआ। आप तो खूब बढ़िया से जानते हैं सीपीएम के लोगों ने आपके साथ क्या किया था, जब आप तृणमूल करना चालू किए थे तो क्या किया था सीपीएम के लोगों ने, आपको खूब बढ़िया से याद है। वो बात बोल के आपको अपमानित करना नहीं चाहते, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। हम लोग तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पार्टी के लोग हैं और न्यूटन भी पढ़े हैं थोड़ा बहुत विज्ञान में, तो दादा और तृणमूल के मेरे जो साथी जो भटक गए हैं उनको पता नहीं है, 1 तारीख के पहले लाइन लगाकर मेरे यहाँ माफी मांग रहे थे ये लोग कि भैया हम तो कुछ नहीं किए, हम तो अपना वोट भी बीजेपी को दिए हैं, मेरी माँ वोट बीजेपी को दी है, मेरे पिताजी तो बीजेपी ही करते हैं, हम लोग तो गलती से किसी के कहने में आ गए थे, भैया हमको माफ कर दीजिए। ये लोग आज आपको खुश करने के लिए, ये बताने के लिए हम टीएमसी है मेरा ऑफिस तोड़ते हैं। ये ऑफिस उमेश राय का ऑफिस नहीं है, ये ऑफिस इस इलाके के रहने वाले लोगों का कार्यालय है। इसको तोड़कर आपने गलत ट्रेंड शुरू किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस विषय को संज्ञान में लेंगे और कार्रवाई करेंगे, नहीं तो ईश्वर है जवाब मिलेगा। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।